आफ्टरनून, आज हमारे पास एक सेम टाइप का एक केस है, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हम लोग करने वाले हैं। केस है कि इंडो अराउंड भाई 4-5 ईयर्स या उससे पहले हो गया था, और हमने वहाँ पे या बहुत पहले हो गया मेरे ख्याल से। सर कितने मसा हुआ ड्राई होने का।
5 साल 8 साल 10 साल पहले क्रिएटेड हुआ है तो उसको निकालते समय कितना वो ब्रिटल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि यहाँ पे हम फिर से पोस्ट डालूंगा, मेटल पोस्ट डालूंगा, ड्रिल करूंगा, वो और ज्यादा ब्रिटल हो जाएगा और 5 साल वहां पे फिर मैं इतना बड़ा ग्राउंड देके नहीं जा सकता। तो
टेकअप करेगा नहीं करेगा ऐसा 100% कोई बोल नहीं सकता। बहुत लोग बोलते हैं सर ये बहुत अच्छा ग्राफ है ये टेकअप करेगा, बहुत सारी कंपनी प्रमोट करती है, लेकिन मेरा हमेशा मानना है नो डाउट जो अच्छा रिसर्च मटेरियल है बोन का ज़ेनोग्राफ्स का वो तो बेहतर ही है, तो इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। बट ओनली थिंग व्हाट हैपेंस इज बॉडी को कोई बोल नहीं सकता कि कौन सा वो एक्सेप्ट करेगा और कौन सा वो नहीं करेगा, तो इसलिए हमेशा बोन ग्राफ पे डिपेंडेंट मत हो जाइए कि नहीं मैं बोन ग्राफ डालूंगा तो बोन ग्राफ मेरा यही कर देगा। इट इज हाईली इम्पॉसिबल कि अगर बॉडी इम्यूनिटी पावर रेज नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, ओरलाइजिंग मेंटेन नहीं है, सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन है, वहां आपका फिर बोन ग्राफ्ट एंड मेम्ब्रेन मतलब मेरे ख्याल से जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वहां पे कुछ नहीं काम हुआ। अगर बॉडी अच्छा है इम्यूनिटी पावर अच्छा है वहां पे आप कुछ भी करो इट विल ऑलवेज बी ए सक्सेस। तो वही थोड़ा सा आपको देखना है, फिगर ऑफ एट मैंने डाल दिया है नॉर्मली, तो ये ब्लीडिंग नहीं है अभी, नो ब्लीडिंग, इम्प्लांट सबमर्ज्ड है। मेरा हमेशा मानना ये रहता है कि कॉर्टिकल प्लेट्स जो होते हैं बकल एंड पैलेटल वो कॉर्टिकल प्लेट से 3-4 mm में अंदर छोड़ता है। अगर आप देखेंगे ऊपर में ये देखिए सारा वो कंडेंस हो गया है, इसलिए वहां पे कोई गैप नहीं लग रहा। अगर आप इससे पहले वाला इससे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि गैप है वो के। आज के डेट में जानना क्योंकि सब लोग आजकल एंडो करके रख रखते हैं और बार बार एंडो पोस्ट ये सब करने से आपका क्या होता है कि टूथ ब्रिटल हो जाता है, बस यही है। वरना आई विल ऑलवेज प्रीफर कि पहले अपना दांत जो नेचुरल है उसको रखा जाए, बट कभी कभी जब लॉन्ग टर्म का प्लानिंग होता है तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ये सब करना। एनीवे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भी हैं जो हमें मतलब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऐसा रहे, तो वी विल ऑलवेज ट्राई कि जो नॉर्मल प्रैक्टिकल नॉलेज है आप लोगों को मिले। कोई भी आप सजेशन वगैरह देना चाहें टू इम्प्रूव आवर वीडियो इम्प्रूव आवर वर्क यू आर ऑलवेज वेलकम, क्योंकि हमारा मानना है कि कोई लाइफ में लर्निंग कभी खत्म नहीं, लर्निंग हमेशा चलता ही रहता है और नो वन इज एवर परफेक्ट। हम आज जहाँ हैं और 5 साल बाद और भी सीखेंगे वहाँ और प्रेयर करेंगे। बस आपको जितना बेसिस पता है उसी में ही हमेशा ट्राई कीजिए कि थिंक बेस्ट करें, तो आपका सजेशन वगैरह वेलकम रहेगा। हमारे यूट्यूब में पूरा चैनल में हम लोग की कंप्लीट वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे, आप लोग उसमें देख पाएंगे। सो थैंक यू, आप लोग हमें यूट्यूब चैनल पे हमारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, वर्कशॉप कोर्सेज सारा अवेलेबल है हमारा हैंड्स ऑन, सो आप आइए उसमें विजिट कीजिए। आप लोग का अप्रिशिएशन ही हमारा इंस्पिरेशन है आगे चल के और बड़ा वर्क करें।